हेलो दोस्तों, आज मैं विद्या बालन की हाल ही में आई नई मूवी नियत एक्सप्लेन करूंगी, जिसका एंड ट्विस्ट विद्या बालन की बाकी सभी मूवी की तरह काफ़ी कमाल का था, इसलिए लास्ट तक बने रहें। स्टोरी स्टार्ट होती है जहां एक बिजनेस टाइकून आशीष कपूर दिखाया जाता है, जो अपने सभी करीबी फैमिली और फ्रेंड्स को अपने स्कॉटलैंड वाले कैसल में बुलाता है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, वो भी तब जब उसका पूरा एम्पायर ख़त्म होने की कगार पर है। इन गेस्ट में से आशीष कुछ को तो जानता है, पर इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ही मकसद से आए हैं। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में सीबीआई ऑफिसर मीरा राव भी हैं, जो कि आशीष को अरेस्ट करने आई हैं जैसे ही सेलिब्रेशन ख़त्म होगा तब, और केस ट्रायल के लिए वो आशीष को इंडिया लेकर जाएंगी, क्योंकि आशीष ने करोड़ों का फ्रॉड किया है बैंक का। यहाँ तक कि उसने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक नहीं दी थी, जिस कारण 8 लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। पर उसके अरेस्ट होने से पहले ही आशीष पता नहीं कैसे क्लिफ से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद मीरा राव केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं और वहां मौजूद सभी गेस्ट में से मर्डरर कौन है उसका पता लगाने का काम भी। जारा, जो कि आशीष की थेरेपिस्ट है और साथ ही साथ उसकी बहुत करीबी दोस्त भी, वो बोलती हैं मैंने देखा है आशीष को सुसाइड करते हुए, मगर मीरा जारा की आईसाइट पर सवाल उठाते हुए इस सुसाइड को मर्डर बोलती हैं, ये कहकर कि अगर ये सुसाइड होता तो आशीष का फेस नीचे की तरफ होता ना कि ऊपर। जिसके बाद मीरा सभी गेस्ट पर नज़र रखना शुरू करती हैं। जिम्मी, जो कि आशीष का साला है, उसने आशीष पर केस किया था अपने प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी आशीष के नाम कर दी थी। लीसा, जो कि आशीष की करंट गर्लफ्रेंड है, जो कि इतनी बेवकूफ़ है कि उसे ये तक नहीं समझ आया था कि आशीष ने उसे नकली डायमंड्स दिए थे, मगर यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। शाशा, जो कि आशीष की लेट वाइफ की अडॉप्टेड डॉटर है, वो आशीष से गुस्सा थी क्योंकि उसने शाशा की प्रेजेंट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट नहीं की थी। के आशीष की असिस्टेंट है और उसे यकीन ही नहीं है कि कोई आशीष को मार भी सकता है। ज़ारा, आशीष की थेरेपिस्ट, ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसके कुत्ते और आशीष की मौत का। मीरा को शक होता है कैसल के स्टाफ तूफान के कारण नहीं बल्कि तनवीर के कारण एब्सेंट है। तनवीर यहाँ का इवेंट मैनेजर है। ईशान, संजय और सूरी का बेटा है और वो आशीष के एहसान तले दबा था क्योंकि आशीष ने ही उसकी फिल्म स्कूल की फ़ीस भरी थी। संजय और नूर सूरी, जो कि आशीष के पुराने दोस्त हैं, वो भी आशीष के एहसान तले हैं क्योंकि आशीष उनके पूरे पेंशन का रेनोवेशन करा रहा था, जो कि शायद सरकार का हो जाता अगर आशीष खुद को सरेंडर कर देता गवर्नमेंट को। रियान आशीष का सौतेला बेटा है और साथ में एक ड्रग एडिक्ट भी। रियान को लगता था कि अपनी गर्लफ्रेंड गीगी को उसकी डेड मॉम की ड्रेस पहनाकर आशीष के सामने लाना बहुत ही फनी इवेंट है। तनवीर और गीगी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर जैसे ही मीरा की पूछताछ ख़त्म होती है, तनवीर मौका देकर रियान की कार से भाग निकलता है ब्रीफकेस के साथ, जिसके कुछ समय बाद वो जंगल में मरा मिलता है। बाद में पता चलता है कि तनवीर का असली नाम तन्मय है, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर था। वो इस पार्टी में बस कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए उसके लिए आया था। मीरा को पता लग गया था कि तनवीर और गीगी एक्स कपल थे और वो गीगी का दुख बांटने जाती है तनवीर के मरने के बाद, जहां उसे ये पता चलता है कि जारा के कुत्ते को किस जहर से मारा गया था, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वो जहर आशीष के लिए था ना कि कुत्ते के लिए, और ये जहर केवल और केवल आशीष का दोस्त संजय सूरी दे सकता था क्योंकि वो अपने पोटेशियम डिफिशेंसी की मेडिसिन अपने साथ रखता था, जिस कारण सब लोग आशीष के मौत का जिम्मेदार संजय को मानने लगते हैं। पर संजय की एंजाइटी आसमान छूने लगती है जब उसे ये पता चलता है कि ईशान उसका बेटा नहीं बल्कि वो आशीष के साले जिम्मी का बेटा है। ये सब के बाद संजय कुछ टाइम अकेले अपने रूम में रहना चाहता था, पर तभी मीरा उसे उसके रूम सर्च करने के बोलती है उस ब्रीफकेस के लिए। ये वही ब्रीफकेस है जिसे तनवीर, जो कि बर्थडे पार्टी का इवेंट मैनेजर था, लेकर भागा था। पर मीरा सर्च कर पाती उससे पहले ही संजय उस पर हमला करके
उसे एक क्लॉजेट में बंद कर देता है। वो ब्रीफकेस संजय के पास ही होता है और वो उसे खोलने का ट्राई भी करता है, पर उतने में कोई आता है और उसको चाकू से वार करके मार डालता है, जिसके तुरंत बाद नूर, जो कि संजय की वाइफ थी, मीरा को क्लॉजेट से निकालती है। मीरा सभी लोगों को लाइब्रेरी में आने को बोलती है। पहले तो मीरा आशीष के साले जिमी पर इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि जब मीरा आशीष को कूदने से रोकने जा रही थी तब उस पर जिमी ने पीछे से हमला किया था। ऐसा मीरा इसलिए कह सकती है क्योंकि उसने जिमी के नियॉन सॉक्स देखे थे। जिमी बोलता है, मैंने आप पे हमला ज़रूर किया था, पर मैंने आशीष को नहीं मारा, बल्कि बहुत साल पहले आशीष ने ही मेरी बहन को मारा था और मैं बस उससे एक बार सामने से पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया था, पर उससे पहले ही वो क्लिफ से गिर चुका था। मेरी कोई आशीष से दुश्मनी नहीं थी। मीरा अब आशीष के सौतेले बेटे रियान पर इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि उसने आशीष पर झूमर गिराने का ट्राई किया था, क्योंकि मीरा ने रियान को सीज़र उठाते देखा था। रियान बोलता है, मैंने ये किया था क्योंकि मैं चाहता था आशीष कबूल कर ले कि उसने मेरी माँ को मारा था। उसके बाद मीरा गिगी पास आती है। गिगी पहले न्यूज़ रिपोर्टर थी और वो भी तनवीर की तरह ही यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आई थी, और गिगी ने ही हेल्प की थी तनवीर की ब्रीफकेस लेकर रियान की कार से भागने में। गिगी कहती है, हाँ मैंने नाटक किया था रियान से प्यार का, ताकि मैं आशीष का सच पता कर सकूँ, क्योंकि गिगी को उन 8 सुसाइड का सच जानना था जो कि आशीष के एम्प्लॉयज़ ने की थी। उसके बाद वो नूर सूरी पर आती है, जहाँ नूर बोलती है, हाँ मैंने आशीष को जहर देने का ट्राई किया था संजय की दवा से, पर वो जहर ज़ारा का कुत्ता गलती से पीकर मर गया था। जिस पर नूर बोलती है, आशीष हमेशा हम लोग के सर पर बैठा रहता था और ऊपर से उसने साइन करा लिया था संजय से हमारे मैंशन वाले पेपर पर। जैसे ही आशीष खुद को सरेंडर करता गवर्नमेंट को, तब मेरा वो मैंशन भी चला जाता, पर मैंने आशीष को नहीं धक्का दिया। अब मेरा आशीष की लेट वाइफ के अडॉप्टेड डॉटर शाशा से पूछती है, जिस पर शाशा कबूलती है कि वो लीसा को ब्लैकमेल कर रही थी पैसे के लिए, क्योंकि आशीष लीसा को नेकलेस दे रहा था पर मेरी कॉलेज फीस भरने को तैयार नहीं था। फिर मीरा लीसा की तरफ आती है, जहां लीसा भी मान जाती है कि वो आशीष पर नज़र रख रही थी मिनिस्टर राज चौधरी के कहने पर, क्योंकि मिनिस्टर ने ही हेल्प किया था आशीष की इंडिया से भागने में, जब उसके 8 एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड कर लिया था। पर लीसा बोलती है, आशीष पर नज़र रखते रखते कब मुझे उससे सच में प्यार हो गया मुझे पता नहीं चला। मीरा एक चीज़ तो क्लियर कर देती है कि तनवीर का मर्डर संजय ने किया था, क्योंकि संजय को उस ब्रीफकेस की ज़रूरत थी। उस ब्रीफकेस में संजय के मैंशन के प्रॉपर्टी के पेपर थे, और संजय का मर्डर के ने किया था। जैसे कि के को सनफ्लावर से एलर्जी है, जिस कारण जब वो संजय को मारकर भाग रही थी तो बंद क्लोज़र से मीरा ने उसके छींकने की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद मीरा के को ढूंढने बाहर जाती है, तब ज़ारा सबको वहाँ स्प्रे से बेहोश कर देती है और ब्रीफकेस लेके निकल जाती है आशीष को देने के लिए। हाँ, आशीष ऊपर से नीचे नहीं गिरा था और वो एक सीक्रेट डोर यूज़ किया था क्लिफ के नीचे जाने के लिए, और डेथ का नाटक किया था, और फिर वो वहाँ वेट कर रहा था ज़ारा के ब्रीफकेस लाने का। दरअसल ज़ारा आशीष की बहन है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और उस ब्रीफकेस की मदद से आशीष अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर पाता कहीं और लॉ की नज़र में वो मरा साबित हो जाता। के को भी वो सीक्रेट डोर मिल गया था, जिससे उसको पता चल गया था कि आशीष ज़िंदा है, जिस पर आशीष ने ही संजय से वो ब्रीफकेस के को लाने को भेजा था, जिस कारण के ने संजय को मार डाला था। ब्रीफकेस लाते टाइम ज़ारा के पर हमला कर देती है ब्रीफकेस के लिए, और के क्लोज़ेट में मर गई थी। जैसे कि ज़ारा को नहीं पता था कि के भी आशीष के लिए ही काम कर रही थी, जिस कारण ज़ारा ने के को मार डाला था। ज़ारा जब आशीष के पास ब्रीफकेस लेकर जा रही थी, तभी उसे मीरा पकड़ लेती है और मार डालती है, और जब आशीष मीरा को मारने का ट्राई करता है, तब गलती से आशीष रियल में उसी क्लिप से गिर जाता है मीरा के कारण। लास्ट में पता चलता है कि ये असली मीरा राव नहीं थी, फेक मीरा राव तो एग्जैक्टली में आशीष की कंपनी में एम्प्लॉय थी, जो कि सुसाइड से मरी एक लड़की की गर्लफ्रेंड भी थी। फेक मीरा राव और उसकी गर्लफ्रेंड नई लाइफ स्टार्ट करने वाले थे, पर बैंक्रप्ट होने के कारण उसने अपनी जान ले ली थी। मिड क्रेडिट सीन में असली मीरा राव दिखाई जाती है,
जो उन सब लोगों से मिलने आती है, पर सब जानने के बाद वो फेक मीरा राव से मिलने का सोचती है। न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि आशीष ने सुसाइड कर लिया। फिर ये दिखाया जाता है कि रियल मीरा राव फेक को पकड़ लेती है, जिस पर रियल वाली बोलती है कि तुम अच्छी थी पर मुझसे नहीं। जिस पर फेक बोलती है, इसका मतलब अगर मैं अपनी स्किल पर काम करूं तो आपसे भी अच्छी हो सकती हूं। और यहां ख़त्म होती है हमारी मूवी नियत। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।